Come back. Chemical bonding. Chemical bonding में specially पहले वाले आज तक हमने क्या क्या टॉपिक अभी डिस्कस किया. सबसे पहले हमने आयनिक बॉन्ड कंप्लीट, फिर इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड में डिस्कस हमने कर रहे हैं लुइस स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का थर्ड पार्ट. यहाँ पर कौन सा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे? थर्ड पार्ट. पार्ट वन पार्ट सेकंड पूरा हो गए और पार्ट थर्ड जो होगा आज हमारा लास्ट वीडियो होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्पर थ्योरी. बेस्पर थ्योरी क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. चलिए हम स्टार्ट करते हैं लुइस स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का थर्ड पार्ट. इसमें एक रूल होगा और उसी रूल में क्या होगा हम आपको तीन चार एग्जाम्पल बताएंगे और जो एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और जिस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैं उसी दौरान उसी एग्जाम्पल में क्वेश्चन भी बताऊंगा. चलिए सबसे पहले हम रूल देखते हैं. रूल देखने से पहले हम आपको ये बताएंगे, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सोचिए, जैसे यहाँ पर एक H2SO4 जैसे एक इसका हम स्ट्रक्चर यदि हम देखें, यही H2SO4 है. इसमें देखिए सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है और जो सल्फर है यही हमारा सेंट्रल एटम है. और यहाँ पर देखिए एक OH बॉन्ड यहाँ पर है और एक OH बॉन्ड यहाँ पर है. जब इसका हम क्या करेंगे, एनहाइड्राइड बनाएंगे, वाटर यहाँ से जब हम निकालेंगे, इसी एसिड का जब हम एनहाइड्राइड बनाएंगे, जब इसका हम वाटर निकालेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह हमें प्राप्त होगा. जैसे H2SO4 है इस तरह हम देखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, H2 यहाँ से निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ से किसमें चेंज हो जाएगा SO3 में. यदि SO3 का स्ट्रक्चर यदि हम देखें कहीं इस तरह है तो हमें रिजल्ट में ये मिल रहा है कि ये हमारा क्या है, एनहाइड्राइड है. जब हम एसिड से वाटर हम रिमूव कर देते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, एनहाइड्राइड में. यही हमारा रूल है. और यहाँ से आप विशेष ध्यान देंगे जो हमारा एनहाइड्राइड जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है इसमें आप ये देखेंगे कहीं सल्फर से OH बॉन्ड कहीं अटैच नहीं है. सिर्फ यहाँ पर जब रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में सिर्फ OH बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन प्रोडक्ट में कहीं पर भी आप देखेंगे, जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ देखेंगे, कहीं पर भी OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि सिर्फ एसिड में ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा और एनहाइड्राइड में जो OH ग्रुप होगा वो समाप्त हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा. दूसरा पॉइंट, क्योंकि कभी एनहाइड्राइड, अभी हम दूसरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे वो भी साइक्लिक ट्राइमर दर्शाता है और एनहाइड्राइड भी साइक्लिक ट्राइमर दर्शाते हैं. जब इसी एनहाइड्राइड का हम साइक्लिक ट्राइमर बनाएंगे कहीं देखिए इस तरह कहीं होगा. अभी हम आपको कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर बताएंगे. जैसे यहाँ पर देखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक सल्फर है, यहाँ पर भी एक सल्फर है, उसके बीच में क्या है, ऑक्सीजन एटम है. सल्फर यही हमारा सेंट्रल एटम है और सल्फर यही हमारा सेंट्रल एटम है. जो सेंट्रल एटम इसको हम लिख सकते हैं एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड, क्योंकि एलिमेंट हमारा क्या है, सल्फर है, यही हमारा सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन और फिर सल्फर, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट. वैसे यहाँ पर भी देखेंगे एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, वैसे यहाँ पर भी देखेंगे एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट. जो एनहाइड्राइड होगा अगर दो या दो से ज्यादा सेंट्रल एटम होंगे तो उनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड. चलिए इसी पे हम आपको थ्योरी बताते हैं, इसी पे हम आपको रूल बताते हैं. रूल क्या है, ये हमारा क्या है, एसिड है. हम क्या लेंगे, एसिड लेंगे, यही हमारा एसिड है. और एसिड से क्या करेंगे, हम वाटर मॉलिक्यूल हम क्या करेंगे यहां से निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे. जब भी हम एसिड से वाटर मॉलिक्यूल हम निकालेंगे हमेशा होल नंबर मिलेंगे. होल नंबर मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 होल नंबर. होल नंबर में क्या हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह होल नंबर होगा, कभी 0.5 कभी 3/2 इस तरह कभी नहीं होगा, हमेशा होल नंबर होगा 1 2 3 4 इस टाइप में.
होल नंबर आप समझ ही गए। तो हमारा क्या लिखा है, एसिड लिखा है, और एसिड से हम क्या निकाल रहे हैं, वाटर निकालेंगे। वाटर निकालिए तो किसमें चेंज होगा, एनहाइड्राइड में। किसमें चेंज होगा, एनहाइड्राइड में। और आपको विशेष ध्यान देना है कि यहां पर देखिए जो एनहाइड्राइड हमें मिल रहा है, इससे साबित हो रहा है इस एनहाइड्राइड का ये भी स्ट्रक्चर है, और ये भी एनहाइड्राइड का अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर हम नहीं बनाया हूं, अभी हम आपको बनाएंगे, बना ही देते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चर भी हो गया। ये जो है देखिए, इसमें OH बांड प्रेजेंट है, लेकिन जब एनहाइड्राइड में कहीं पर भी आप देखेंगे OH बांड नहीं है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड में। चलिए सबसे पहले हम पहला पॉइंट लिखते हैं, ऑल बांड आर सेम। इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा शुरुआत में जब H2SO4 खोल लिए थे तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में दो बांड लगा था, उसमें कोई चेंज नहीं था। यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब हम आपको समझा ही दिए, अभी फिर हम आपको समझाएंगे। तो क्या है, हम ये एनहाइड्राइड बारे में क्या लिखेंगे, ऑल बांड, ऑल बांड आर सेम, ऑल बांड आर सेम। एच एसिड, जितना भी बांड होते हैं वो सेम होते हैं किसके, एसिड की तरह, क्योंकि हमने यही पर स्ट्रक्चर देखा था, जैसे यही हमारा स्ट्रक्चर था। क्योंकि यहाँ पर देखिए सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पर भी हमने SO3 के बारे में बताया था। देखिए यहाँ पर जो भी SO3 ऐसे बना था, यही था हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे कहीं सल्फर ऑक्सीजन बीच यहाँ पर भी बांड है एनहाइड्राइड में, और एसिड में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बांड यहाँ पर भी है। कहने का मतलब है ऑल बांड आर सेम एज एसिड, एसिड की तरह सभी बांड सेम होंगे, बट ओनली देखिए यहां पर OH है और यहां पर भी OH है, जबकि एनहाइड्राइड स्ट्रक्चर में आप देखेंगे OH ग्रुप कहीं पर भी नहीं होगा, बट ओनली OH बांड आर मिसिंग। OH बांड क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। एनहाइड्राइड में आप जब भी देखेंगे OH बांड जो हमारा लगा है कहीं पर, देखेंगे जो OH बांड, हम इसको डिब्बा बंद कर दे रहा हूं, देखिए OH ग्रुप यहां पर भी है, OH ग्रुप यहां पर भी है, जबकि एनहाइड्राइड के केस में OH बांड कहीं पर नहीं प्रेजेंट होगा। क्या लिखा है, बट ओनली OH बांड आर मिसिंग, OH बांड क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। मिसिंग मीन्स क्या होगा, समाप्त है। OH बांड क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और क्या चेंजिंग होगा, और चेंजिंग ये होगा कि जो यहाँ पर अभी हम आपको बता रहे हैं सेंट्रल एटम, इसमें जो एनहाइड्राइड में जो सेंट्रल एटम होगा, अभी हम इसको बताएंगे आपको क्या लिखा है। एनहाइड्राइड में जो सेंट्रल एटम होंगे, सेंट्रल एटम टू आर मोर, सेंट्रल एटम टू आर मोर, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। सेंट्रल एटम क्या हो सकता है, सेंट्रल एटम टू आर मोर, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। सेंट्रल एटम टू आर मोर प्रेजेंट देन, तब क्या होगा, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बांड यूजली प्रेजेंट, यूजली प्रेजेंट। अभी हम इसको पॉइंट आउट समझाएंगे आपको, क्या लिखा, सेंट्रल एटम टू आर मोर, यदि सेंट्रल एटम दो या दो से ज्यादा बार उपस्थित है तो क्या होगा, ये क्या लिखा, देन सेंट्रल एटम टू आर मोर, सेंट्रल एटम टू आर मोर प्रेजेंट, सेंट्रल एटम या दो से ज्यादा प्रेजेंट है, देन एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बांड
यूजली प्रेजेंट होगा। तो अभी हमने बताया था आपको, देखिए यही सल्फर ऑक्सीजन सल्फर यही है, ये हमारा क्या है एलिमेंट है, एलिमेंट क्या होते हैं सेंट्रल एटम होंगे और ये भी एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, जब क्या होगा सेंट्रल एटम दो या दो से ज्यादा बार उपस्थित होगा तब क्या होगा एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड यूजली प्रेजेंट होगा। चलिए हम आपको इसी पॉइंट पे सारा हम आपको एग्जांपल बताते हैं। देखिए यहां पर पार्ट थ्री कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बेस्पर थ्योरी स्टार्ट करेंगे, बीबीटी बेस्पर थ्योरी जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हमने एग्जांपल बता रहा हूं, कौन कौन एग्जांपल बताएंगे हम, H2SO4 जो हमारा सेकंड एग्जांपल होगा, HNO3 जो हमारा थर्ड एग्जांपल होगा, HClO4 जो फिफ्थ एग्जांपल क्या होगा, H3PO4। हम सभी का नाम बता दे रहा हूं, ये क्या लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या लिखा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या लिखा नाइट्रिक एसिड, और ये क्या लिखा परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ये क्या लिखा आर्थोफास्फोरिक एसिड या हम कह सकते हैं फास्फोरिक एसिड, H3PO4 को हम फास्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं। चलिए अब हम नाम सबका पता हो गया, अब हम क्या करेंगे यहां से, देखिए यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल हम क्या करेंगे निकालेंगे, आप यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालिए H2SO4 से, तो यहां पर दो हाइड्रोजन है क्योंकि यहां पर भी हमें दो हाइड्रोजन निकालना है, समाप्त हो गया, और एक ऑक्सीजन हमें निकालना है, यहाँ पर फोर ऑक्सीजन है, जब फोर ऑक्सीजन में से हम एक ऑक्सीजन निकाल देंगे बचेगा कितने ऑक्सीजन, थ्री ऑक्सीजन, तो इसमें चेंज होगा SO3 में, और SO3 का यदि हम स्ट्रक्चर हम देखेंगे, यदि SO3 का हम स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो कुछ इस तरह होगा, SO3 का जो भी स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह होगा, और खास बात यह है कि जो SO3 होगा वो क्या होगा साइक्लिक ट्राइमर भी दर्शाते हैं, साइक्लिक ट्राइमर जैसे SO3 आपस में जब तीनों पॉलीमराइज हो जाते हैं तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं SO3 का होल थ्राइस, इसका मतलब क्या लिखा है H3O9 ये लिखा है H3O9। तो यदि हम इसका स्ट्रक्चर हम देखें क्या दर्शा रहा साइक्लिक ट्राइमर, क्या दर्शा रहा साइक्लिक ट्राइमर, क्या दर्शा रहा साइक्लिक ट्राइमर दर्शा रहा है, यदि हम इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो देखिए यहां पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, स्ट्रक्चर यहां पर हम बनाते हैं, देखिए एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, देखिए अगर हमें स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का ड्रा करना है सबसे पहले उस सेंट्रल एटम पहचानेंगे, हमने पहले पार्ट में यही समझाया था आपको, तो सबसे पहले सेंट्रल एटम हमारा कौन है, सेंट्रल एटम वही है जो एलिमेंट सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें पाया जाएगा, यही सल्फर है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड इसमें 6 कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है, आपको यदि कोवेलेंट बॉन्ड या नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं निकालना आता तो क्या करेंगे आप, हमारा जो वीडियो है कोवेलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, आप कोवेलेंसी पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस पढ़ेंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, आप उसको पढ़ेंगे तो इससे आपको नंबर ऑफ बॉन्ड भी निकालना आ जाएगा। सल्फर जैसे 6 बॉन्ड बनाता है वैसे यहाँ पर देखिए एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, देखिए यही हमने आपको समझाया था कि थर्ड पॉइंट जब यहाँ पर एनहाइड्राइड में जो हमने मतलब बताया था कि यही सल्फर ट्राइऑक्साइड ये हमारा एनहाइड्राइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देखें क्योंकि यहाँ पर देखिए सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, 2 2 4 और 2 6 6 बॉन्ड यहाँ पर हो गया,
और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होगा, वो साइक्लिक ट्राइमर भी बनाते हैं, SO3 होल थ्राइस H3O9। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि जब सेंट्रल एटम दो या दो से ज्यादा बार उपस्थित होगा तो किस तरह उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन एलिमेंट। वैसे यहाँ पर भी देखेंगे एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, वैसे आप यहाँ पर भी देखेंगे एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट। ये जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें, ये तो हमारा जो ब्लैक कलर का हमने दिखाया, अब हम इसको रेड कलर दिखा देते हैं। देखिए सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, सल्फर देखिए 6 बॉन्ड बनाता है, तो 2 और 2 4 1 5 1 6, 2 + 2 + 1 + 1 टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। वैसे सल्फर कहीं पर भी कितना बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है। जो सल्फर होगा कितना बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है। तो सल्फर का 6 बॉन्ड होना चाहिए कहीं पर भी, 2 2 4 1 5 1 6, 6 बॉन्ड सही कहीं पर भी हो गया। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर आप ऑक्सीजन जोड़ेंगे H3O9, ये स्ट्रक्चर हमारा था H3O9। तो देखिए 2 और +2 और +2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 7 8 9, 9 ऑक्सीजन भी हो रहा सेटिस्फाइड, और 3 सल्फर, 1 2 3। हमने यही आपसे बताया कि जब सेंट्रल एटम दो या दो से ज्यादा बार उपस्थित होगा कौन सा बॉन्ड बने, कौन सा बॉन्ड उनके बीच बन जाएगा, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट। यहाँ पर मतलब क्या होगा, नया बॉन्ड क्या बन रहा है, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि H3O9 में, साइक्लिक H3O9 में क्या सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड पाया जाएगा, आपका आंसर होगा यस पाया जाएगा। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या सल्फर और सल्फर के बीच में कोई बॉन्ड पाया जा रहा है, आप यहाँ पर कहीं पर भी देखेंगे सल्फर और सल्फर डायरेक्टली कहीं पर नहीं जुड़ा है, इसका मतलब सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। और इसमें ये भी ध्यान देना है, ये हमारा क्या है, ये साल्ट बॉन्ड है, ये क्या है साल्ट बॉन्ड, और ये क्या है लॉन्ग बॉन्ड। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि इसमें साल्ट बॉन्ड कौन है और लॉन्ग बॉन्ड कौन है। जितने भी हमने ब्लैक कलर दर्शाया है वो सब क्या है, लॉन्ग बॉन्ड है, ये सब क्या है लॉन्ग बॉन्ड है, और जो हमने रेड कलर दिखाया है वो सब क्या है साल्ट बॉन्ड है, ये सब क्या है साल्ट बॉन्ड है, क्लियर। और यहाँ पर नया बॉन्ड कौन फॉर्मेशन हो रहा है, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड इसमें पाया जाएगा। और इसमें पूछा जा सकता है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड अभी हम आपको एक ऐसा और हम बताएंगे, आप उसमें सीख लीजिएगा सिग्मा बॉन्ड कितने पाए जाएंगे। अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड बना बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही साइकिल दर्शा रहा है, नंबर ऑफ एटम कितना है 9 और +3 9 3 12 -1 +1, इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना पाया जाएगा, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा। आप काउंट कर लीजिए 12 सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, फिर यहाँ से 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है, और पाई बॉन्ड कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है पाई बॉन्ड पाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जब दो बॉन्ड प्रेजेंट होगा जिसमें से एक सिग्मा एक पाई होगा, 1 पाई 1 पाई 1 पाई 1 पाई 1 पाई 1 पाई, टोटल 6 पाई बॉन्ड पाए जा रहे हैं, 6 पाई बॉन्ड है, और 12 क्या है सिग्मा बॉन्ड है, क्लियर हो गया ना। अभी हम आपको सिग्मा बॉन्ड का फार्मूला बताएंगे जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, जैसे H3PO4 में हम आपको कैसे सिग्मा बॉन्ड निकाला जाएगा हम आपको इस एग्जाम्पल में बताएंगे फार्मूला। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, 12 सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड टोटल कितना 6 है। अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, ये तो हमारा एग्जाम्पल समाप्त हो गया। देखिए एग्जाम्पल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में आते हैं, इसमें पूछ लिया जाएगा H3O9 में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड पाए जाएंगे, एलिमेंट सल्फर ऑक्सीजन सल्फर
बांड पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, यस यस बांड पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, क्वेश्चन इसी तरह इसमें बनते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे ये क्या लिखा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से जब क्या करेंगे आप, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो किस में चेंज होगा, देखिए दो मोल लिखा है यहाँ पर H1O3 और HNO3। यहाँ से क्या करना, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना, इसका मतलब दो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे और एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन हम कहीं से निकाल देंगे, चाहे इससे चाहे इससे, किस में चेंज हो जाएगा, NN मतलब N2 और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन थे जिसमें से वाटर के दौरान एक ऑक्सीजन निकल गया था, बचा ऑक्सीजन कितना 5 N2O5। ये जो हमारा क्या पर प्रोडक्ट बन रहा है, एनहाइड्राइड, यही हम N2O5 को हम क्या कहेंगे, एनहाइड्राइड कहेंगे। आपसे एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछेगा जो नाइट्रिक एसिड में जो एनहाइड्राइड फार्म हो रहा है उस एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या है, N2O5 होगा। और इसमें एनहाइड्राइड का अभी हम बता रहा हूँ क्या पूछा जाएगा, इसमें कोऑर्डिनेट बांड पूछा जाता है। जैसे N2O5 का जो स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हमने यही बताया था जब सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, यही सेंट्रल एटम है, दो या दो से ज्यादा बार उपस्थित होगा उसमें एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बांड का फॉर्मेशन होगा, हमने आपको यही बताया था। तो चलिए देखिए इसमें एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन के जो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होता है, 4 होता है, इसलिए हम आपको बार बार कह रहा हूं आप कोवेलेंसी कंप्लीट कर लीजिए, कोवेलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ बांड होता है, कोवेलेंसी आप हमारा जाके वीडियो पढ़ेंगे पार्ट 1 पार्ट 2, इससे आपको कोवेलेंसी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन कोवेलेंसी कितना होगा, 4 होगा, मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 बांड से ज्यादा नहीं बना सकता है, एक बांड हमने बना ही दिया तो बचा क्या है, अभी 4 ऑक्सीजन बचे हैं, तो जिसमें से एक ऑक्सीजन हम डबल बांड के साथ लगा देते हैं, क्लियर। अब बच्चा अभी कभी 2 ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन के जो शर्त है 4 बांड से ज्यादा नहीं बना सकता है, 2 और +1 3 बांड तो बन चुके हैं, अब बचा क्या है, एक बांड हमें बनाना है, बस एक बांड, जो बांड होगा कौन सा बांड होगा, कोऑर्डिनेट बांड होगा। आपसे क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाएगा कि जो एनहाइड्राइड स्ट्रक्चर है N2O5, क्या इसमें कोऑर्डिनेट बांड पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, आपका आंसर होगा यस। और ये भी पूछा जाएगा कि एनहाइड्राइड जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने कोऑर्डिनेट बांड पाया जाएगा, 1 और +1 टोटल कितने कोऑर्डिनेट बांड पाया जा रहा है, 2 कोऑर्डिनेट बांड। हमने कोऑर्डिनेट बांड का वीडियो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम आपको क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, इसलिए हम आपको फिर से बताते चल रहा हूँ। और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी बांड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर देखेंगे रेड कलर जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, पूछा जाएगा एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, कहने का मतलब है एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बांड का फॉर्मेशन भी इसमें होगा एनहाइड्राइड स्ट्रक्चर में, 2 क्वेश्चन आपसे बनेंगे ऐसे। चलिए हम आपको बताते हैं, ये तो नाइट्रिक एसिड हो गया, अभी क्या बचा है, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, एक एक करके हम देखते चल रहे हैं। देखिए जहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जहां से क्वेश्चन आता है, एक एक करके हम देखते हैं, बचेगा परक्लोरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, अभी हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं HClO4, इसे क्या कहते हैं, परक्लोरिक एसिड, यहां से इसका 2 मोल लेंगे, यहां से हमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे होल नंबर से। अब आप सोचिए यदि 2 टाइम HClO4 लिखा है, यहाँ से हमें वाटर मॉलिक्यूल निकालना है तो आप नहीं निकाल सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लीजिए और एक ऑक्सीजन चाहे इससे कहीं से भी निकाल लीजिए। क्या बच्चा, 8 ऑक्सीजन थे जिसमें से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, बचा 7 ऑक्सीजन, Cl2O7 बनेगा, यही हमारा एनहाइड्राइड है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है Cl2O7, एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, क्या परक्लोरिक एसिड में जो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होगा, हम एनहाइड्राइड बनाएंगे,
उस एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या था, Cl2 उसको Cl2H7 का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होगा। हमने ये बता दिया जब सेंट्रल एटम दो या दो से ज्यादा बार उपस्थित होगा तो क्या होगा, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और हमें पता है क्लोरीन जिससे सल्फर 6 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता है, वैसे क्लोरीन भी होता है। यहाँ पर ध्यान से देखें, जैसे Cl ये हमारा सेंट्रल एटम है और ये भी हमारा सेंट्रल एटम है, यहाँ पर क्या क्लोरीन पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही इसमें बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा, देखिए एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, हमने क्या बताया एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, एक तो हमारा फिक्स बॉन्ड होगा और यहां से आप बना सकते हैं ऐसे लगा दीजिए बस, क्योंकि क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसलिए हमने आपको बता रहा हूं। कोवेलेंसी आप पढ़िए, कोवेलेंसी आपको विशेष क्लियर करेगा कि कैसे बॉन्ड हमें पता चल जाता है कि क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाएगा इसमें, क्योंकि क्लोरीन पास यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 यहाँ पर देखेंगे इस तरह है, 2 + 2 + 2 + 1 टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। और 7 किसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्सीजन का। तो देखिए आप आपस में बॉन्ड बन गया देखिए, और ऑक्सीजन जो होती है एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो रहा है। यहाँ पर देखिए Cl में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, Cl2O7 जो हमारा एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर हो गया, और एनहाइड्राइड में एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड पाया जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये जो H3PO4 है, H3PO4 को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड भी कहते हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं H3PO4, देखिए H3PO4 का इसमें बेसिसिटी कितना होता है, 3 होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि 3 बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH बॉन्ड डायरेक्टली जॉइंट इन सेंट्रल एटम। जैसे H3PO4 है, इसका क्या नाम है, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, या इसका दूसरा नाम होता है फास्फोरिक एसिड। यहां से हमें क्या करना है, 3 वाटर मॉलिक्यूल को हमें रिमूव करना है। तो यहां पर कितने मोल लेंगे, इसको 2 मोल लेंगे, जैसे H3PO4 लिखा है और H3PO4, तो यहां पर हमें 3 वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। 3 वाटर मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होगा, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन दोनों मिला के हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 6 हाइड्रोजन समाप्त हो गया, हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ पर देखिए 8 टोटल ऑक्सीजन है, 8 में से अगर 3 ऑक्सीजन निकालेंगे 5 ऑक्सीजन बचेगा। तो यहाँ पर देखिए P2O5 कौन सा एनहाइड्राइड बना, P2O5। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें आपसे क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा जाता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड कैसे पाए जाएंगे, इसमें पाई बॉन्ड पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, पीपी बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। चलिए हम एक एक करके एग्जाम में आपके जिस तरह आता क्वेश्चन चलिए उसी फ्रेम में पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए P2O5 है, P2O5 एग्जिस्ट किस तरह करता है, P2O5 एग्जिस्ट एज P4O10। P2O5 एग्जिस्ट किस रूप में करता है, P4O10 के रूप में। जैसे यह क्या लिखा, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड कहो या इसे हम कहेंगे फास्फोरिक एसिड, इसका बेसिसिटी 3 होगा, यहां से 3 वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो क्या होगा, यहां पर देखिए P2O5 जो हमें, जो हमारा एनहाइड्राइड होता है P2O5, एक किस रूप में एग्जिस्ट करता है, P4O10 में। अब इसी P4O10 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे होंगे, क्या होगा, ट्राइमर दर्शाता है, ट्राइमर कंपाउंड होते हैं। एक बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बाइमर है कि ट्राइमर, क्या है, ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए कौन सा कंपाउंड होता है,
कि आपको विशेष ध्यान देना कि P4O10 ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड होता है। चलिए हम इसी ट्राइसाइक्लिक जो कंपाउंड P4O10 इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालेंगे फार्मूले के साथ। कैसे सिग्मा बॉन्ड, यदि आपको नहीं निकालना आता होगा आप निकालना सीख जाएंगे, ये भी इसमें हम आपको फार्मूला बताएंगे। चलिए P4O10 ट्राइसाइक्लिक जो कंपाउंड है, पूछा जाएगा मोनोसाइक्लिक बाईसाइक्लिक ट्राइसाइक्लिक, आपका आंसर होगा ट्राइसाइक्लिक। P4O10 का यदि हम स्ट्रक्चर हम देखें तो देखिए किस तरह बनता है। P4O10 हमने यही बताया था, जब सेंट्रल एटम दो या दो से ज्यादा बार आता है तो एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले आप इसको बनाएंगे और हमें पता है कि यहाँ पर जैसे PCl3 होता है और PCl5, इसका मतलब फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बनाता है और 5 बॉन्ड भी बनाता है। यहाँ पर फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा। यदि आपको बॉन्ड नहीं निकालना आता होगा तो आप हमारा वीडियो कोवेलेंसी जाके पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 कोवेलेंसी आप निकालना सीख जाएंगे कि प्रत्येक एलिमेंट में कितना कितना बॉन्ड होता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। यही है फास्फोरस का स्ट्रक्चर। तो हमें क्या बनाना है, जब सेंट्रल एटम यहाँ पर 4 times प्रेजेंट है फास्फोरस, यही हमारा सेंट्रल एटम है, जब दो या दो से ज्यादा बार उपस्थित होगा कौन सा बॉन्ड बनता है, एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, मतलब POP बॉन्ड बनेगा। एलिमेंट हमारा कौन है, फास्फोरस है, एलिमेंट ये भी फास्फोरस है, POP बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर PP है तो यहाँ पर क्या करेंगे, POP बॉन्ड बना देंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, POP बॉन्ड। देखिए POP बॉन्ड बना देंगे हम, ये तो क्लियर हो गया, POP बॉन्ड बन गया। अब फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, हमें पता है ऑलरेडी। तो अभी ऑक्सीजन हमारे पास बहुत बचे हैं, हम दो ऑक्सीजन साथ ऐसे एक ऑक्सीजन साथ दो बॉन्ड लगा देते हैं, क्लियर हो गया। देखिए एक, क्योंकि ट्राइसाइक्लिक हमने कहा ये अभी मोनोसाइक्लिक दर्शा रहा है, जब इस तरह बना क्या दर्शा रहा है, मोनोसाइक्लिक। बाईसाइक्लिक के लिए पहले बनाते हैं, यहाँ पर देखेंगे बाईसाइक्लिक बन गया, जब इस तरह हमने किया था कौन सा स्ट्रक्चर बना था, बाईसाइक्लिक, अरे सॉरी इस तरह जब बना था ये बाईसाइक्लिक हो गया। और एक स्ट्रक्चर इसका इस तरह बन सकता है, तो 1 2 3 इसका मतलब ट्राईसाइक्लिक स्ट्रक्चर इसलिए होता है। मोनोसाइक्लिक ए भी एक, देखिए एक साइकिल ए भी हो गया, 3 प्रकार के इसमें साइकिल पास भी है, इसलिए क्या हो गया, ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। यहां पर देखिए ट्राइसाइक्लिक हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितना पाया जाएगा और पाई बॉन्ड कितना पाया जाएगा। चलिए इसमें हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का फार्मूला देखते हैं क्या है, सिग्मा बॉन्ड का कैसे हम सिग्मा बॉन्ड इसका निकालेंगे। हम आपको यहाँ पर फार्मूला बता रहे हैं और हमने इस तरह बताया था, एक इस तरह हो गया क्योंकि ट्राइसाइक्लिक दर्शाता है, n इक्वल टू कितना है, 3 है। एक साइकिल एक ए हो गया, एक साइकिल एक ए हो गया, एक साइकिल एक ए हो गया, हम अलग अलग दिखा दिए जिससे आपको कंफ्यूज ना हो, ट्राइसाइक्लिक दर्शा रहा है, ठीक है, n इक्वल टू 3 होगा। तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम -1 प्लस एन। एन क्या है, नंबर ऑफ रिंग, कितने रिंग प्रेजेंट है, यहां पर 3 है। एन क्या है, नंबर ऑफ रिंग हमने कितना पढ़ा था, एन इक्वल टू 3। तो यहां पर P4O10 का हमें स्ट्रक्चर मान लिए थोड़ी देर के लिए, हमें जल्दी से निकालना है विद 1 सेकंड के अंदर हमें सिग्मा बॉन्ड। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको। तो 10 और प्लस 4 कितना हो गया, 14 हो गया। टोटल नंबर ऑफ एटम को काउंट कर लीजिए और 10 प्लस 4 कितना हो गया, 14 हो गया। तुरंत अपने दिमाग में रखेंगे 14 -1 और
अब हमें ये भी पता होना चाहिए पी फोर ओ टेन ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका मतलब एन एच इक्वल टू कितना होगा, थ्री होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, 14 माइनस 1 करेंगे तो 13 आ गया, और 13 प्लस 3 कितना आएगा, 16 आएगा। सिग्मा बॉन्ड टोटल कितना होगा, 16, 16 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और पाई बॉन्ड कैसे हमें पता, इसमें पाई बॉन्ड कितना होगा, आपके एग्जाम में एक बार पाई बॉन्ड पूछा गया था, तो हमने एक यही बताए थे आपको कि यदि दो बॉन्ड है जिसमें से कोई सा एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और कोई सा एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। चलिए ऊपर वाला बॉन्ड हम सिग्मा बॉन्ड मान लेते हैं, नीचे वाला क्या है, पाई बॉन्ड है। यदि कहीं पर एक बॉन्ड लिखा है इसका मतलब वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही लिखा है। एक बार हम आपको आगे निकाल कर बताते हैं सिग्मा बॉन्ड, आप पेन मत उठाइए, कुछ मत करिए, नंबर ऑफ एटम काउंट कर लीजिए, 14 एटम है, माइनस 1 कर दीजिए, 13 हो गया, और नंबर ऑफ रिंग कितना हो गया, 3 हो गया, और 13 प्लस 3 कितना हो गया, 16 हो गया। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 16, आपको पेन उठाने कोई आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम माइनस 1 प्लस एन, एन क्या है, नंबर ऑफ रिंग, यहाँ टोटल कितने रिंग बन रहे हैं, 3 रिंग बन रहे हैं। यहाँ पर 14 माइनस 1 प्लस नंबर ऑफ रिंग कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारा फार्मूले में एटम माइनस 1, तो माइनस 1 लगा देंगे, 16 टोटल आ गया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड टोटल कितना होगा, 16 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितना होगा, 4 होगा पाई बॉन्ड। आपके एग्जाम में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कई बार पूछे जाते हैं, एक बार पूछा गया था P4O10 में पाई बॉन्ड कितना है, एक बार सिग्मा बॉन्ड पूछा गया, हो सकता है दोनों पूछ लिया जाए सिग्मा पाई। तो देखिए यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया। तो जिसमें से जब दो बॉन्ड होंगे, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड होगा, एक क्या होगा पाई बॉन्ड, एक यहाँ पर, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, टोटल पाई बॉन्ड कितना हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड हो गया। और सिग्मा बॉन्ड हमें जितना सिंगल बॉन्ड लिखे हैं सब सिग्मा बॉन्ड ही हैं, जो सिंगल बॉन्ड लिखे होते हैं वो सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। यदि हम इसको हटा देते हैं, यदि इसको हम हटा दें थोड़ी देर के लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए, और इसे सब क्या लिखा है, ये सब सिग्मा बॉन्ड तो है, ये सब क्या लिखा है, सिग्मा बॉन्ड ही है। देखिए जितना सिंगल बॉन्ड जितना भी होगा वो सब सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा है तो जिसमें से वो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। क्लियर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा ये जाएगा, इस स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है, कहीं पर आपको पी ओ पी बॉन्ड नजर आ रहा है, हाँ यस, इसमें पी ओ पी बॉन्ड, पी ओ पी, पी ओ पी, कहीं पर भी आप देखेंगे पी ओ पी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या पीपी बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए, कहीं पी और पी डायरेक्टली जुड़ा है, नहीं जुड़ा, क्योंकि पी और पी के बीच में क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है, इसका मतलब पीपी बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, पीओपी बॉन्ड पाया जाएगा। और पूछा जाएगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, 16 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 4 पाई बॉन्ड हो गया। अब हम चलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी, बीपीटी, नेक्स्ट वीडियो।